से तू तो आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं बल्हबी हलवा ही बल्हबी दादे ही बल्हबी दा नालो प्रेमंता नीने मैं फाइनली मैं और को लंगूर अब ये क्लिप्स बाद में वो देखता है यार देखे ना तो भाई मेरे को भी बहुत उल्टा सीधा बोलते थे ओए तुम लोग मत बोल बे मैं नहीं बोलता तुझे उल्टा सीधा कभी मैं बहुत इज्जत देता हूँ तुझे हाँ पता है सर सीरियसली बहुत इज्जत देता हूँ दिल से इज्जत देता हूँ कहीं निकलना ही जाओ तो कुल्लड़ ही पहुंच जाए बैठे बैठे अच्छा तूने कुल्लड़ बोला है वैसे अभी हम रास्ते में कहीं रुके थे वहाँ पे इसने ओम को फोन लगाया कि ओम कहाँ है तो ओम बोलता है मैं रास्ते में एक बंदे से मैंने लिफ्ट ली है ओम 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 तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि तूने तेरी भी गलती है क्लियर कर देना चाहिए तुझे मुझसे पूछना चाहिए कि सर अपन यहीं बुलाए उसे आगे ले जाए नहीं उसने मैं बोला मैं पहुंच के कॉल कर दूंगा तो मुझे लगा वो पहुंच गया तो यही पहुंच तभी कॉल करेगा वहां क्यों आया कॉल करना ही है कंफ्यूजन है बहुत सारा क्या नाम है तेरा अननोन पर्सन अननोन ओ माय गॉड जुल्फिकार हां तो अच्छा एक बात बताओ मुझे मंडला एडवेंचर जबलपुर से मंडला जाने का जो हमारा प्लान है 7 फरवरी को हम जाने वाले थे नहीं गए 9 को भी जाने वाले थे नहीं गए 15 को भी जाने वाले थे नहीं गए 17 को भी नहीं 17 को भी 15 को जाने वाले थे आज तारीख क्या है 19 फरवरी आज अपने कल 18 को क्या डिसाइड किया था अपने कि सुबह 3 बजे मंडला के लिए निकलना है अभी टाइम क्या हो रहा है 11 किसकी गलती है ओम सही से बता ओम गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत तेज मुझे आपसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है सर तुझे बेटे तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है बेटे मैं 5 बजे उठा मुझे लगा कि अब निकलना चाहिए 3:30 बजे के 31 मिनट मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है तो मैं उठा है तू उठा टाइम पे और तू साले बेईमान सुबह 9 बजे उठने वाले और मतलब जाने के मैसेज एक मैसेज पढ़ रहा है अच्छा चलो ठीक है ये सब बात छोड़ते हैं फिलहाल सबसे अच्छी बात तो ये है कि एडवेंचर पे जा रहे हैं अपन फाइनली यार यार बस इससे इस मोहरे को ना अपन रामनगर वाला एडवेंचर नहीं करवा पाएंगे यार क्योंकि वो करवाया तो जानता है आधा दिन लगेगा आधा दिन अंदर भी जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर कोई बड़ी एक गाड़ी रेंट देंगे वो टेंशन नहीं है यार पेट्रोल तो बहा देंगे पानी की तरह यार दिक्कत वो नहीं है दिक्कत ये है कि तुझे पता पर इसे गर्म पानी कुआं बता सकते हैं क्या रास्ते में वो जा सकते हैं अंदर भी नहीं है 2-3 किलोमीटर अंदर देखना है तुझे गर्म पानी कुआं वीडियो देखा होगा तूने जब हम लास्ट टाइम वो हम दोनों गए थे देखा था जाना है अब देखना है क्या अरे इन द रोड मतलब जैसे जबलपुर से मंडला का जो रोड है ना उस रोड के रास्ते में पड़ता है बस 2 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है हाँ चलना देखना तुझे और रामनगर का तो सारे एडवेंचर ड्रॉप कर दे तो नहीं देख पाएगा वो क्योंकि हम दोनों ने देख चुके हैं वो और उसके अलावा तो अपन मंडला के सारे एडवेंचर्स और मंडला अपन सबसे बड़ी बात पता है अपन तीनों ने अभी तक कुछ रिसर्च नहीं की कि मंडला में क्या क्या घूमने लायक चीज़ें कितनी इतनी दूर अपने कुछ भी पता नहीं लगा है ये एडवेंचर तो सबसे अपना फोकट वाला एडवेंचर हो रहा है कि लाइक ना ऐसे ही मतलब होता ना ऐसे उठे और बस मैं तो ऐसे ही आया हूँ मैं तो उठाऊंगा बस मुझे बोल दिया गया तैयार हो जाता मैं तैयार होके आ गया हूँ हाँ ऐसे मत बोल उठा और आ गया सब ये क्या समझेंगे जो क्लिप देख रहे हैं अपने अच्छे मोमेंट वाली ये सोचेंगे नहा के भी नहीं आया नहीं नहा के सही है नहीं नहा के तो नहीं नहा के नहीं हिम्मत चाहिए भाई सीरियसली अब मानना पड़ेगा यार एंड तू मैं नहा के आऊँ सर मैं भी ठंडे ठंडे पानी से नहा के आऊँ यार तो ठीक है ना इसे गाड़ी में सबसे पीछे बिठाएंगे ठीक है क्या ज्यादा जरूरत पड़ी तो पीछे रस्से से बांध देंगे जहाँ बैठाना बैठा कोई दिक्कत नहीं भाई शरीर साफ होना और दिल साफ होना उफ उफ मेरा तो दिल चीर हो गया अच्छा ओम तेरे शब्द यहाँ घुस गए मेरे अंदर अच्छा ओम मैगी लाया ना फ्राइड मैगी तो लाया प्याज लाया मेरे रूम पे ना रतलामी के 2 पाउच कल वाले पड़े थे एक आध लेस पड़ा था और चॉकलेट्स पड़ी थी कुछ वो मैं ले आया ऊपर पैकेट में तेरे बैग में कुछ है खाने का नहीं हाँ तो ठीक है अभी पहले सबसे पहले तो अपन तीनों यहाँ चाय मारते हैं जबलपुर से निकलते चाय होनी चाहिए चाय है ना अच्छा शगुन होती है
चाय पियोगे तो पूरा सफ़र अच्छा जाएगा। ठीक है, चाय पी लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं एटीएम से। और अच्छा एक ना बहुत एक बात है, मतलब हमें ना खजुराहो पन्ना मैयर से ना जबलपुर आए थे ना, तीन जनवरी को आए थे ना, है ना। तो उस टाइम पे ना हमने सोचा था कि एक महीने बाद 3 फरवरी को हम निकल जाएंगे जबलपुर से पचमढ़ी सतपुड़ा, पर वो एडवेंचर हमारा स्टॉप हो गया क्योंकि उस एडवेंचर के लिए बजट चाहिए 25 से 30 हज़ार रुपये और हमारा बजट नहीं था। तो हमने वो एडवेंचर स्टॉप किया और 3 फरवरी के बाद हमने नहीं जाके 3 फरवरी को मतलब वहाँ पे सतपुड़ा पचमढ़ी, और हमने प्लान बनाया कि हम मंडला निकलते हैं। मंडला एक शहर है जहाँ का एडवेंचर हमारे स्टॉप पड़ा हुआ है, उसके आसपास भी 40-50 किलोमीटर में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट है और ये नज़दीकी मतलब होता है ना 150 किलोमीटर में है ये एरिया। तो सोचते यहाँ चले जाते हैं, पहले ये निपटा देते हैं और यहाँ के लिए बजट भी जाना चाहिए, यहाँ के लिए बजट चाहिए 2500 रुपये बस, 2500-3000 रुपये चाहिए बस। तो होटल में रुकना भी हो जाएगा जिसमें अच्छा खासा मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो पेट्रोल सबसे ज़्यादा यूज होगा, 1500 रुपये पेट्रोल यूज होगा। तो ना हमने सोचा पहले ये निपटा देते हैं और इसके बाद अपन निपटाएंगे सतपुड़ा पचमढ़ी ये है और उसके बाद इस एडवेंचर में अपन बजट बनाएंगे, इस एडवेंचर में बजट बनाएंगे 27-28 हज़ार बनाएंगे बजट। ठीक है, मतलब है ना मजा आ जाना चाहिए, मतलब एक कोई ना मतलब अलग ही प्रो लेवल का, मतलब जो सोचो वो खा लो, मतलब खाते तो वैसे भी अपन सब कुछ को छोड़ते नहीं है पर होता है ना एक अन्न भंड खाओ। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलो खाने पीने सामान रास्ते से पार्सल ले लेते हैं थोड़े बहुत रास्ते के लिए, रोडों पे रुकेंगे कहीं भी रास्ते में, और गर्म पानी कुआ देख लेते हैं सबसे पहले। इस मोमेंट के बाद एक और बेहतरीन एडवेंचर मोमेंट रास्ते में मुझे मिलने वाला है, वो है गर्म पानी का कुआ। मतलब एक ऐसा कुआ जहाँ पे पानी हम दोनों जा चुके हैं वहाँ पे पानी हमेशा गर्म रहता है, और तो वो इस मोरे ने देखा तो इसे दिखाएंगे हम, और उसके बाद आगे मंडला की तरफ कुछ करेंगे। आज का दिन और कल का दिन है हमारे पास, 2 दिन का एडवेंचर है। कल शाम में शायद तक हम जबलपुर वापस लौट जाएंगे, और नहीं लौटते तो वन डे और बढ़ जाएंगे। सीधी बात नो बकवास, कुछ बोल रहे हो? डन। वाह डन, ठीक है चलो।